जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एडी लाइव। इस एडी लाइव जो हमारा सबसे बड़ा हमदर्द बन करके यहाँ पर पहुँचे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। एडी लाइव जो एक ऐसा मैंने चैनल है, ऐसा यूट्यूब चैनल है जो लगातार जो जहाँ कहीं नहीं पहुँच पा रहा वहाँ पर दलित आदिवासी के बीच में पहुँच कर ये कवरेज कर रहे हैं। हम उनका आभारी रहेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का निपटारा किया जाए। यहाँ के लोग अत्यंत चिंतित हैं। अब जैक बोर्ड की एग्ज़ाम होने वाली है, यहाँ पर बच्चे एग्ज़ाम देंगे कि इस चिंता में रहेंगे कि आप घर उजड़ेगा तो क्या होगा। उत्तराखंड राज्य में एक घटना है जो सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया। वह जमीन का मामला था। रेलवे का जमीन में 50 साल से अतिक्रमण करके कुछ लोग रह रहे थे और वह संख्या बहुत अधिक बढ़ चुका था। वह केस जब सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट उसमें स्टे दिए और उसके बाद फिर केस चला और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है कि आप बस्ती को उजाड़ने के पहले उनका पुनर्वास या उनको किस जगह दे रहे हैं उसका आप हमें 30 दिन के अंदर पूरा योजना बताइए। मामला अभी कोर्ट में लंबित है। सेम मामला जमशेदपुर में टिस्को कंपनी गेट नंबर 10 और बगल में चूना साहब बाबा है। हमारे पीछे जो बस्ती वाले हैं वह बहुत ही अत्यंत निम्न वर्ग से हैं। वहाँ उनको आज भी रोजी रोटी के लिए कोई संसाधन नहीं है। अब उनका घर का छत देख सकते हैं, अभी भी उनका छत पॉलीथीन से बांस से लगा हुआ है। लेकिन अचानक फरमान आता है कि आप जल्दी से जल्दी इस जगह को छोड़ के चल जाइए। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिला है, पुरुष है, बीमार है, अब वह कहाँ जाएंगे? इसके साथ ना उनके पास कोई नेता है, ना उनके पास कोई पढ़े लिखे सलाह देने वाले हैं, ना उनके पास कोई वकील है। और वह बस्ती वाले हर दिन दहशत में है कि कब नहीं कब भी हमारे घर को उजाड़ दिया जाएगा। गरीबों का मकान तोड़ना बंद करो, गरीबों का मकान तोड़ना बंद करो। महाशय, आज का क्या क्या प्लान है काम का? कुछ खास नहीं, वही बच्चों के लिए कॉपी कलम लाना है और घर के लिए राशन भी लाना है। अच्छा जी, सब काम याद है और बिजली का बिल जमा करने का भूल जा रहे हैं। अरे हाँ हाँ, आज बिजली का बिल भी जमा करना है। बकाया बिल के कारण कल गोलू के घर का कनेक्शन कट गया, उसके घर वाले बहुत परेशान हैं। हाँ बाबा, आज बिजली बिल जरूर जमा कर दूंगा। हाँ, आज सब काम के साथ बिजली बिल भी जमा करना। टाटा मैनेजमेंट हाय हाय, टाटा मैनेजमेंट हाय हाय, टाटा कंपनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गरीबों का मकान उजाड़ना बंद करो। जो समाज सेवी है उन्होंने यह पीड़ा अपने हाथ में उठाया और वहाँ संघर्ष कर रहे हैं। चेतन मुखी जी से बात करते कि मामला है क्या। ये बिष्टुपुर का एक रिहायशी इलाका है जहाँ पर हमारा एक छोटा सा बस्ती है, चूना सा बाबा झुग्गी झोपड़ी बस्ती। ये 70-80 साल से यहाँ पर हमारे दलित आदिवासी अल्पसंख्यक और सब कोई मिल करके एक ऐसा बस्ती है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग सब एक साथ मिल करके यहाँ पर हमारे लोग रहते हैं। हमारा कहना है कि टाटा कंपनी बिना नोटिस दिए, बिना सरकारी दस्तावेज यहाँ पर सूचना दिए इस यहाँ पर जो इस बस्ती को उजाड़ने का फैसला किया है, योजना बनाई है। तो हमारा कहना है कि इस बस्ती में जो एक ऐसा बस्ती है जो ऐसे लोग रहते हैं जो अत्यंत माने गरीब पिछड़ा, जिनके पास माने कोई कच्चा मकान नहीं, बांस बल्ली से घिरा हुआ, प्लास्टिक से घिरा हुआ, ना टॉयलेट से ना बिजली है, ना पानी का व्यवस्था है सही से, ना ड्रेनेज है। ऐसे
हालात में ये लोग अपना जिंदगी को गुजर बसर कर रहे हैं, और कंपनी लगातार दबाव बना रही है कि आप लोग हट जाइए। वो भी ओरली बोल रही है, वर्बली बोल रही है कि इनको हटा दीजिए ना। इनके पास कोई बने अभी तक मिलने आया, कोई नेता मिलने नहीं आ रहा है। यहाँ पर आपस में बात सही है कि हमारे पास कोई मने नेता भी नहीं मिलने आया, कोई अधिकारी अब तक इसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं कि आखिरकार हम लोग क्या चाहते हैं। हमारा कहना है कि इस बस्ती को उजाड़ने से पहले यहाँ पर हमें पुनर्वास की व्यवस्था किया जाए, तब हम लोग यहाँ से हटेंगे। अन्यथा हम लोग बहुत ही जल्द ये पोस्टल पार्क बिष्टुपुर में टाटा साहब के जो स्टैचू है उसके सामने में एक बड़ा धरना देंगे, और आपके इस एडी लाइव जो हमारा सबसे बड़ा हमदर्द बन करके यहाँ पर पहुँचे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। एडी लाइव जो एक ऐसा मने चैनल है, ऐसा यूट्यूब चैनल है जो लगातार जो जहाँ कहीं नहीं पहुँच पा रहा वहाँ पर दलित आदिवासी के बीच में पहुँच कर ये कवरेज कर रहे हैं। हम उनका आभारी रहेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी से इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का निपटारा किया जाए। यहाँ के लोग अत्यंत चिंतित हैं। अब जैक बोर्ड की एग्ज़ाम होने वाली है, यहाँ पर बच्चे एग्ज़ाम देंगे कि इस चिंता में रहेंगे कि आप घर उजड़ेगा तो क्या होगा, ये बच्चे कहाँ जाएंगे, इस पर जरूर चिंता मंथन करने की आवश्यकता है। कब से ऐसा मामला आप लोग को आया कि यहाँ से एक बस्ती उजाड़ने का डर कब से हुआ? डर तो ऐसे हम लोगों को मैंने एक सप्ताह पहले से है, यहाँ पर जब से मैंने खोद मैंने खोदने का काम चालू हो गया, वो खोदने वाले बोलते हैं कि आप लोग चले जाइए क्योंकि कंपनी ने प्लान बना चुके हैं, इस तरह का काम हो रहा है। तो हमारे अंदर में एक डर और भय की भावना पैदा हो चुकी है कि हमारा बस्ती अब उजड़ जाएगा। हमारा बचपन जो यहाँ पर इन लोगों का बचपन बीता है, इस यहाँ पर 70-80 साल से इन लोग की यादें यहाँ पर हैं, यहाँ पर्व त्यौहार, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर सर्वधर्म सभा 20 दिसंबर जो चूना सा बाबा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसी जो कोल्ड स्टोरेज के बगल में जो पार्किंग की व्यवस्था है वहाँ पर हर 20 दिसंबर में की जाती है, जहाँ पर सांसद महोदय आपके विधायक मंत्री इस शहर के जितने नामचीन लोग यहाँ पर अपना उपस्थिति दर्ज करा के गेस्ट के रूप में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मैं सभी से गुजारिश करूँगा कम से कम हमारी व्यथा को समझते हुए टाटा कंपनी जैसे दबंग कंपनी जो आज इतने शिखर पर पहुँच चुकी है, मैं रतन टाटा जी से भी इस आपके चैनल के माध्यम से एडी लाइव चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आपको रतन टाटा जी आपको हम लोग भारत रत्न तभी मानेंगे जब आप दलितों के लिए कुछ काम कीजिएगा सीएसआर के तहत, क्योंकि आपका ये कमांडिंग एरिया है। देखिए रतन टाटा तो नहीं देखते हैं, उनके अधिकारी है, रतन टाटा तो महापुरुष है, उनके ऊपर में कुछ भी बोलना उचित नहीं है। रतन टाटा इस देश के लिए विश्व के लिए आदर्श है। हाँ, उनके नीचे जो अधिकारी है उनको आप बोल सकते हैं, जो स्थानीय जो लैंडमार्क जो लैंड देखते हैं। क्या डीसी एसपी एसडीओ के पास गए थे आप? जी हम लोग डीसी के पास गए थे, लेकिन डीसी महोदय नहीं भेंट की, एसडीओ साहब भेंट के बोले कि मैं देखता हूँ इस पर क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले कंपनी से हमारी बातचीत होनी चाहिए, एक पक्ष का तो मैं बात सुन लिया हूँ, दूसरी बात पक्ष का बात सुनकर फिर आपको बताऊँगा, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई इस आश्वासन नहीं है। कितना दिन से रह रहे? 70-80 साल से रह रहे हैं। कैसे करके आए थे बस्ती में? कैसे करके, मम्मी थी, नानी थी, उसके बाद हम लोग 3 पीढ़ी चल रहा है, 3-4 पीढ़ी हो गया सर यहाँ पर रह रहे थे जी। इनके बच्चे भी बड़े हो रहे, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, इन्हीं यहीं से ही सब कुछ इनका होता है। बीमार है? नहीं सर। क्या हो गया? आदरणीय आदरणीय टाटा कंपनी, आदरणीय हम लोग तो बचपन से है सर, समझे, हम लोग बचपन से है यहाँ, पैदासी हम लोग का सब कुछ यहाँ हो गया है, बचपन ही यहाँ, मतलब की माँ बाप गुजारिश हम लोग का सब यही हुआ है, नाती पोता सब देख लिए हम लोग,
नाती पोता मन सब देख लिए है। क्या आप लोग का आधार कार्ड है? सब है सर। आधार कार्ड, राशन कार्ड? हाँ सब है, सब है। बिजली कैसे, पानी कहाँ से लेकर आते हैं? पानी सर कंपनी क्वार्टर से ही, जो पाइप लगा वसी से। बिजली तो नहीं है सर, बिजली सर इस देश के नागरिक है, कोई भूटान नेपाल बांग्लादेश के नहीं है। ये भारत देश के संविधान के वह नागरिक है जो वोट देते हैं, जिनके पास राशन कार्ड है, जिनके पास आधार कार्ड है। लेकिन ताजुब इस बात का है कि बगल में टिस्को एरिया जहां पर 24 आवर बिजली, लेकिन 70 साल से यहां कोई भी बिजली का लाइन नहीं। लाइन नहीं होने के बावजूद भी 70 साल से उस छोटा सा कोठी में रहे, तो आप समझ सकते हैं कि इस लोगों का आर्थिक स्थिति क्या होगा। उसके बाद भी इन लोग कोई सरकार से मांग नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम 70 साल से आ रहे हैं, मेरे 3 पीढ़ी यहाँ पर थी और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी स्कूल में एग्जाम दे रहे हैं। उनका यह भी मांग है कि मैं हट जाऊँगा, आप हमको जहाँ मन है वहाँ रखिए, लेकिन हमें पुनर्वास जो सरकारी नियम कानून है उसके तहत हटाइए, तब हमें लगेगा कि आप सही कर रहे हैं। ये देश संविधान सिर्फ ताकतवर का नहीं है, इस देश और संविधान सभी के लिए है। हमें विश्वास है कि संविधान के तहत जिला प्रशासन इसमें काम करेगा और साथ ही साथ टाटा स्टील का वह लैंड डिपार्टमेंट या जो बस्ती को देखते हैं वहाँ भी इसमें ध्यान देगा कि बस्ती का भविष्य अब सिर्फ आपके हाथ में है। एक छोटा सा बच्चा वो आपके हाथ में है कि इनको भी पुनर्वास दिया जाए, इन्हें भी घर दिया जाए और इनका जो हक है, अधिकार है, इनको भी दिया जाए। एडी लाइव का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप सभी को मिल रहे अपार प्यार सहयोग, उनसे भी ज्यादा धन्यवाद और आभार। एडी लाइव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे एडी लाइव।